अब इसको प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने अगला काम क्या करना है, इसमें डालनी है चीनी और देसी घी। इनको करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुबुल किचन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं जो सिवैयाँ लेके आपके सामने, ये देखें आपके सामने पड़ी हुई हैं, तो इसको मैंने उबाल कर बनाना है। कैसे बनाना है आपको पता है कि शायद आपको अंदाज़ा ना भी हो। तो आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले लोग इस तरह की सिवैयाँ बहुत शौक़ से बनाया करते थे। पुरानी रिवायात होती थी, तो पुरानी जितनी ही रिवायात हैं या पुरानी जितनी ही डिशेज़ हैं वो उतनी अच्छी होती हैं। और जनाब, ये जो पुरानी सकाफ़तें हैं, पुरानी सकाफ़त की जो चीज़ें होती हैं वो देखने में वो भी उतनी ही, यानी सुकून भी मिलता है और बड़ा मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं हम लोग। तो आइए हम आगाज़ करते हैं सिवैयाँ। सबसे पहले इनको रोस्ट करते हैं तवे पे। कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसको बड़ी एहतियात के साथ जो है ना तवे के ऊपर रखना पड़ेगा। इसको पहले हल्का हल्का भूनेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है पहले। इनको देखते हैं, इनकी साइज जरा चेंज करते हैं, कलर इनका हल्का हल्का गोल्डन हो जाए। अगर इनको ऐसे ही कच्चा हम बनाए तो कच्चा जायका आता है, मज़ा नहीं आता। तो हल्का सा इनको भूनना जो है ना लाजमी होता है। इनकी साइड जो है ना ऐसे उलट पुलट करते रहेंगे। ये देखे गोल्डन कलर हो चुका है। ये जो कचरा है पहले इसको निकाल लेते हैं ताकि ये जल ना जाए। इसको साइड पे कर दिया। इसको 1 मिनट दे रहे हैं। बड़ी एहतियात के साथ इनको भूनना पड़ता है, साथ साथ कचरा हो जाता है क्योंकि ये खुश्की हो जाती है, तो साथ साथ कचरा भी हो सकती है। अब इसी तरह सारी हमने गोल्डन करनी है, लाइट गोल्डन। ये देखिए सारे मैंने हल्के हल्के इसको जो है ना रोस्ट कर लिया है। अब जनाब इसको अलग मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसको और तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे, जरका उसका बनाएंगे। तो ये जो है ना उबली हुई अब बनानी है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। ये देखिए आधी पतीली मैंने पानी की अब गर्म करने के लिए इधर चूल्हे पर रख दी। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा फिर इसमें सिवैयाँ डालेंगे। ये देखिए पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं सिवैयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम 2 मिनट इसको हम उबालेंगे, फिर उबालने के बाद इसको छलनी में छानेंगे। आइए अब इसको करते हैं चेक, ये सही तरीके से उबली हुई है या नहीं, चेक करते हैं इसको। सिवैयाँ हमारी तकरीबन उबल चुकी हैं, अब इसको छलनी में छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे। पानी इसका सही तरीके से निकाल के अब इसको प्लेट में डालेंगे। अब इसको प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने अगला काम क्या करना है, इसमें डालनी है चीनी और देसी घी। इनको करेंगे मिक्स ताकि ये चीनी जो है ना मेल्ट हो जाए।
इसमें देसी घी डालते हैं। आइए जनाब अब इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपको इसमें शीरा नज़र आ रहा होगा, देसी और चीनी, देसी घी और चीनी का, तो इसके साथ ही ज़्यादा मज़ा आता है, ज़बरदस्त। अब इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन बनी हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। प्लीज़ मेरा चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं अपने कमेंट सेशन में जो जाऊँ तो मुझे मज़ा तो आए कि आपने कौन सा कमेंट कैसे किया है। उससे जो है ना हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।